अस्सलाम वालेकुम मेरे एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जो कि डॉक्टर सानिया निश्तर की गुज़श्ता मीटिंग के दौरान उन्होंने फ़ैसला किया है, ऐलान किया है, जो उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। वो उन्होंने मीटिंग के दौरान क्या ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि पहले जो है हुकूमत की तरफ से बजट ख़त्म हो चुका था, जून के महीने में इसको एहसास राशन प्रोग्राम को बंद कर दिया था। जैसे ही अब बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से हमें दूसरे मुल्कों से भी फ़ंड मौसूल हुए हैं, तो नए बजट में भी इसका फ़ंड जो है दिया गया है, तो अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो इसको पंजाब के में जो है, क्योंकि उधर इमरान खान की हुकूमत है, तो इमरान खान ने दोबारा डॉक्टर सानिया निश्तर को इस प्रोग्राम के लिए लगाया है, तो इस प्रोग्राम को दोबारा वो शुरू करने जा रही हैं। तो इस प्रोग्राम में नए लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, जो पुराने लोग हैं वो अपनी अहलियत कैसे चेक कर सकते हैं, इसका तमाम तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ट्रेंड फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलाऊं, उन्होंने ऐलान किया था 15 सितंबर से जो है इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया जाएगा, एक लिंक बना के, लिंक के ज़रिए इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, एप्लीकेशन बनाएंगे उसके ज़रिए जो नए लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो कि पहले अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे एहसास राशन प्रोग्राम में किसी मसले मसायलों की वजह से, जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो इस वजह से तो जो लोग पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके थे वो इसमें अहल हैं, वो अपनी सिमें दोबारा ऑन कर लें, क्योंकि उनको मैसेज मौसूल होगा और वो अपनी जो राशन लेंगे तो और वो अपनी ऑनलाइन अहलियत भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने का जैसे ही इसका कोई लिंक या एप्लीकेशन हुकूमत की तरफ से होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा, उसके ज़रिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है उसके ज़रिए, या 8171 के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे अपडेट आती है शाम तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। लेकिन जो लोग पहले से अहल हैं तो वो अपनी जो है रजिस्ट्रेशन उनकी हुई पड़ी है तो वो अपनी जो है सिम को ऑन कर दें, क्योंकि उनको मैसेज मौसूल होगा कि आपका एहसास राशन प्रोग्राम में से राशन मंजूर हो गया है, आप राशन ले सकते हैं, तो वो अपना राशन हासिल कर सकेंगे। वो उसका एक ऑनलाइन चेक करने का तरीक़ाकार भी है, अगर वो ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। आपने गूगल में जाके NBP एहसास आपने जैसे लिखना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आपने अपना कमीशन अधिकारी नंबर डायल करना है, आपको एक कोड मौसूल होगा मोबाइल फ़ोन नंबर पे, वो कोड डायल करना है, तो उधर से आप अपनी जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी सब्सिडी मंजूर हुई है कि नहीं हुई और आप कितना राशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक नई अपडेट थी डॉक्टर सानिया निश्तर की तरफ से जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल ट्रेंड फॉर यू का सब्सक्राइब कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।